कर्मचारियों को कह रहे हैं कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहां हालत देखिए। अगर ओल्ड पेंशन का कोई समाधान निकलेगा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही इसका समाधान करेगी। ये अब कांग्रेस की हालत देखिए, सब छोड़ते जा रहे। यहां इनके एक नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए, जैसा कि भारत को कोई तोड़ रहा है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि उस दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। हिमाचल में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, अध्यक्ष को मदद करने के लिए कहा कि अध्यक्ष का जिम्मा बहुत बड़ा होता है, ये आसान नहीं होता, इसके लिए 4 लोग और चाहिए मदद करने के लिए। 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए और 4 में से 2 हमारे साथ में है, उसमें हर्ष महाजन जी भी आ गए। आज मैं अभी चुनाव में गया था तो भूटानी प्रकाश भूटानी जो है वो भी हमारी पार्टी में आ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता थे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई क्यों कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी, बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि कुछ बचा ही नहीं। बोलता जिस पार्टी का नेता भाषण में इस बात का जिक्र करता है कि आटा 40 रुपए लीटर हो गया तो उस पार्टी में क्या रह करके करना, उसको उनको यही मालूम नहीं है कि आटा कैसे मिलता है। लेकिन इन दिनों चुनाव के दिनों में आपके बीच में आकर के बात कर रहे हैं, कर्मचारियों को कह रहे हैं कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहां हालत देखिए। लागू करने की बात तो कही है लेकिन लागू हो नहीं पाई है। अगर ओल्ड पेंशन पर अगर बात करना चाहेंगे कर्मचारी, मैं इनसे इतना निवेदन करना चाहूंगा, हमने कर्मचारियों के लिए उनके हितों की रक्षा के लिए जो भी किया जा सकता था वो किया है, और आने वाले समय में अगर ओल्ड पेंशन का कोई समाधान निकलेगा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही इसका समाधान करेगी। ये मैं आपको कुछ गारंटी की बात जो कर रहे थे उसमें सबसे बड़ी गारंटी ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम की, और उस ओपीएस को लागू करने के लिए हमने कहा जैसे ही सरकार बनेगी हम तुरंत उसको लागू करेंगे, क्योंकि ये हमारे जितने भी पेंशन वाले लोग हैं वो बार बार सरकार के पास जाते रहे पर जयराम सरकार ने अनदेखी की, उन्होंने ये बात नहीं सुनी और हमने कहा कि हम इस काम को प्राथमिकता देते हुए इस काम को करेंगे। उसके साथ बंद करो एक मिनट बाद बल्कि में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। इस तरह का चुनाव है जी, ये यूपीएस एक सिर्फ एक सीधे प्रश्न पे होगा, यूपीएस बहुत एक बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये बात अपने मैनिफेस्टो में शायद शामिल कर चुकी है कि यूपीएस देखिए कितना इस पे सच है और क्या इसके बारे में कहेंगे। आपको क्यों डाउट है कि सच कितना सच है? ये सरासर 100% सच है और हम यूपीएस को लागू करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। मैम किस तरह का चुनाव यहाँ की